Okay, now we have second type of feedback mechanism, that is positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism is not very common in nature. Only few examples are there which include the positive feedback mechanism. So in positive feedback mechanism, you can see this pathway. This is for the positive feedback mechanism. The only example we have for the positive feedback mechanism and which is included in your course is the suckling of nipple by newly born or baby. So in this case, the stimulus is the suckling of nipple by baby. This stimulus or this is the external factor that is sensed by the cells of nipple, and from nipple the nerve impulse will go to the hypothalamus via sensory neurons, and from hypothalamus and from the hypothalamus the posterior pituitary lobe that will create the neurotransmitters which will go to the blood cells, and these neurotransmitters will go to the target cells. Target cells, what are the target cells in this pathway? The smooth muscles in breasts. So the smooth muscles will constrict, and as a response, more milk will be released from the breast. So how it is the positive feedback? Because when the milk is released, the baby will have more urge to suckle more milk, and the process will continue. This is not the type कि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो गई. इसके अंदर जितना जो मिल्क रिलीज हो रहा है उतना जो है वो बेबी जो है वो ज्यादा सकल करेगा कि ज्यादा मिल्क पिए. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मिल्क सकलिंग जो है, दूध पीता है जो छोटा बच्चा, ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को. वो स्टिमुलस है जो सकलिंग कर रहा है, या वो ठीक है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. और जो सेल्स हैं, ठीक है, निप्पल के, वो उनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं? वो वहां से मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करता है जो ब्लड के साथ वापस आते हैं. ब्रेस्ट के अंदर जो मसल सेल्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और उनको जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं. मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मिल्क की रिलीज ज्यादा होती है. ठीक है, और अब ये सारी चीज क्या है, स्टिमुलस हाइपोथैलेमस में गया है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज हार्मोन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो वापस आता है स्मूथ मसल ब्रेस्ट सेल्स के जो है, या ब्रेस्ट सेल के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको आके वो टारगेट करता है, और एज अ रिस्पॉन्स जो है मजीद मिल्क रिलीज होता है. तो ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है. ज्यादा मिल्क आएगा, फिर ज्यादा वो सकलिंग करेगा, दोबारा तो सारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा. तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि ये इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन ही करना. आपने एक रिस्पॉन्स है जिसको आपने इन अ सर्कल उसको कंटिन्यू रखना है. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या था कि एक चीज बड़ी थी उसे आपने नॉर्मलाइज कर दिया. ठीक है, इसके अंदर जो मिल्क रिलीज है वो भी नॉर्मल है, जो सकलिंग हो रही है उसके रिस्पॉन्स में मिल्क रिलीज होने, और मिल्क रिलीज होने के रिस्पॉन्स में मजीद सकलिंग बढ़नी है. तो ये दोनों जो हैं पॉजिटिव चीजें हैं, ये चलती रहेंगी, सर्किट चलता रहेगा. ठीक है, और एम्पलीफाई होगा. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपको चार्ट नजर आ रहा है. इसके अंदर क्या है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है, ये असल में उसका दिया हुआ है, बॉडी टेम्परेचर के बारे में है कि जो आपके थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरह का आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का. ठीक है, ये सारी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है, सारी पढ़ने वाली आप पढ़ सकते हो उसमें.
इसमें था क्या कि अगर टेम्परेचर कम है तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है टीआरएच, ठीक है, जो टीआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। ये जो टीआरएच है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच प्रोड्यूस करेगी। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा और थायरोक्सिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। एज अ रिजल्ट जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कि थायरोक्सिन की जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो लाजमी बात है जब फंक्शन बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे फंक्शन ज्यादा होने लग जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एटीपी एनर्जी और हीट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है थर्मो रेगुलेशन, सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर एंड सोल्यूट कंसेंट्रेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? कि अगर जो आपका वाटर कॉन्टेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, मतलब सॉल्ट और वाटर की जो कंसेंट्रेशन है या सोल्यूट कंसेंट्रेशन, आप बेसिकली कहते हो डिजॉल्व सॉल्ट जो होते हैं बॉडी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो उसको किस तरह मेंटेन करता है हमारी बॉडी मेंटेन करती है। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, एक को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, दूसरे होते हैं ऑस्मो कंफर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं, दोज एनिमल्स दैट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपने हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक एनिमल्स पढ़े हुए हैं। हाइपरटॉनिक एनिमल्स वो होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के लिहाज से, कि इन्वायरमेंट एक है उसके हिसाब से आपका जो एनिमल है या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक है। उसमें ये होता है कि अगर तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन बाहर, वाटर और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो है उसका डिफरेंस है कि बाहर जो वाटर की या ठीक है कंसेंट्रेशन है सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन्वायरमेंट में है वो ज्यादा है तो आपका जो एनिमल है उसमें कम है, तो जो कम है आपका एनिमल मतलब उसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है तो वो हाइपोटॉनिक एनिमल है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट द एनिमल इज हाइपोटॉनिक इफ इट हैज लो वाटर एंड सोल्यूट कंसेंट्रेशन। इफ द एनवायरमेंट हैज हायर लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, if the environment has low concentration of salt and water, then your animal has higher concentration of both. In that case, you can call the animal as hypertonic animal with respect to their environment. What is the example? All the fish, freshwater animals, and most of the marine vertebrates are osmoregulators. Means they have very vast difference between their internal and external body temperature, body fluid concentration, and osmoregulation is basically the phenomena used for aquatic life. The life, the living organisms which are present in water, or most the invertebrates, unicellular organisms, and the multicellular organisms or vertebrates. That includes different types of fish and seal and rays, you can say. And in case of unicellular organisms, you have billions of unicellular organisms present in water, which regulate their body temperature, body osmotic concentration through different mechanisms, and which maintain their internal water salt concentration or osmotic conditions regardless of the change in external environment. They are called osmoregulators. Osmoconformers, those animals
दैट चेंज द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. सो दे आर बेसिकली आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. दे इंक्लूड दे आर आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो नेक्स्ट थिंग इज इट इंक्लूड्स ऑल मेरीन वर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स एंड सम मेरीन वर्टिब्रेट्स लाइक हैग फिश एंड शार्क्स एंड वेल्स. They have, they all are osmoconformers because they don't have any system to regulate the whole excretion of salts and water. Basically, these are, there are two conditions. One is marine and second is the fresh water. Fresh water bodies there includes ponds and the streams and rivers, canals. And in case of marine water, we have oceans and seas. So in marine water, the animal can either be hypertonic or hypotonic. And in case of fresh water, the salt concentration of salt concentration of fresh water is nearly the similar to that of the internal कंसेंट्रेशन ऑफ एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल जिनमें डिफरेंस था, वो अपने आप का जो इंटरनल है जो ऑस्मोटिक लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं. ये या हाइपरटोनिक होते हैं, या तो इनके अंदर अपने अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है, बाहर सॉल्ट कम होता है, या इनके बाहर सॉल्ट ज्यादा होता है, इनके अंदर कम होता है. अगर इनके अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो ये हाइपरटोनिक है, अगर इनके अंदर सॉल्ट कम है और बाहर ज्यादा है तो हाइपोटोनिक है. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो हैं जो बॉडी कंसेंट्रेशन इनकी जो है वो जैसी बाहर है वैसी अंदर रख लेते हैं. मैंने अभी डिटेल में आपको पहले बताया कि हम लोग इसको रिलेटिव देखते हैं, ये नहीं देखते कि बाहर इतने पार्ट्स पर मिलियन है, अंदर भी इतने पार्ट्स पर मिलियन ही होने चाहिए. अगर ऐसे होंगे तो सेल रप्चर हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और उसको अगर आप एक तरह से लेते हैं वो और एनिमल जो है उसका रेलिवेंस बहुत अलग किस्म से है. उतने पार्ट पर मिलियन उसके अंदर पहली बात तो आ नहीं सकता, और अगर आ जाए तो उसमें कुछ बचेगा नहीं. ठीक है, तो ये आइसोटोनिक होते हैं, इनके अंदर सारे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जितने इन्वर्टिब्रेट्स हैं इसके अंदर जो है वो मोलस्क भी आते हैं आपके, और बाकी भी चीज़ें इस तरह की आती हैं, और फ्रेश वाटर के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी आते हैं, और मेरीन वर्टिब्रेट्स भी कुछ आते हैं जिसमें हैग फिश है, आपके शार्क हैं, रेज हैं. इसको कहते हैं इलास्मो ब्रांचेस और इसको कहते हैं मैक्सिन हैगफिशेस को. तो ये वाले इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, अब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को. ये आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब है कि ये चेंज नहीं करते अपने आप को ज़्यादा, क्योंकि ये उसी के अंदर एडजस्ट करते हैं अपने आप को, जैसा वो है वैसे ही ये जो है रिजिस्ट करते हैं. हाइपोटोनिक हैं तो ज़्यादा सॉल्ट को अंदर नहीं आने देंगे, अगर सॉल्ट अंदर आएगा तो उसको एक्सक्रीट ज्यादा करेंगे. ठीक है, और हाइपरटॉनिक है तो ये ज्यादा वाटर को अंदर नहीं आने देंगे, अगर वाटर आएगा तो उसको ज्यादा एक्सक्रीट करेंगे. ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट और वाटर को इक्वली जैसे आ रहा है वैसे ही एक्सक्रीट करते रहते हैं उसी रेशियो के अंदर. द यूजुअल द अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ मैरीन हैबिटेट इज मेंटेन बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन द ब्लड. ये जो ज्यादा कंसंट्रेशन इनके अंदर रह जाती है ये आइसोटोनिक किस वजह से है, ड्यू टू द अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू. ये मेंटेन करते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया और TMAO ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इनको मेंटेन करते हैं अपने ब्लड के अंदर इनकी एक हायर लेवल को. ठीक है, उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अच्छा इन दोनों को हम कहते हैं ऑस्मोलाइट्स, TMAO है और यूरिया है. ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑस्मोलाइट्स. ऑस्मोलाइट क्या होता है कि वो वाले लाइट्स हम लोग कहते हैं, वैसे नॉर्मली जो लाइट्स हम लोग कहते हैं जिसमें पीडिया लाइट है या इस तरह की चीज़ें जो रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन है उसके अंदर लाइट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर जैसे इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो आइंस के लिए यूज होता है ये, तो ये आइंस को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज यूज होती है उसको
हम लोग ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, और इन दिस केस ऑस्मोलाइट्स आर ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइड एंड यूरिया। अब इतनी ज्यादा जब यूरिया की कंसेंट्रेशन होती है तो होता क्या है कि द लेवल ऑफ यूरिया टू दिस हाई कंसेंट्रेशन कैन डैमेज द प्रोटीन और डीनेचर हो जाता है इसकी वजह से। तो टीएमओ जो है वो अच्छा, ज्यादा यूरिया है अगर बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन है, फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और वाटर है, मतलब चार चीजें ये बेसिकली हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बेसिक एक इंग्रेडिएंट है जो आपके सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे सेल्स जो आपके बने हुए हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं, जिस तरह पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरा फॉर एग्जाम्पल आप इंसान ले लो, इंसान के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है, हार्ट है, ब्लड है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, ये सारे बने हुए टिश्यूज से, और टिश्यूज किसे मिल के बने हुए, सेल से, और सेल किस किस से मिलके बना होता है, सेल ऑर्गेनाइज। तो सेल ऑर्गेनाइज जो है मोस्टली वो प्रोटीन इन नेचर होता है, या उनकी कोई वॉल जो है वो प्रोटीन के जो सब यूनिट हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उनसे बने होते हैं। तो अगर यूरिया की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होती है तो ये सारे जो आपका बेसिक प्रोटीन लेवल है या बेसिक आपके ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं जो आपके बने हुए हैं अमाइनो एसिड से या आपके पेप्टाइड चेन्स बनी हुई हैं, ठीक है, या लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये सारी डी नेचर हो जाती हैं। आपके एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो ये सारे डी नेचर हो जाते हैं अगर यूरिया की कंसेंट्रेशन इतनी हाई हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो उसके जो है रिवर्स क्या चीज, अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा हुआ है कि जिसके अंदर ज्यादा हाई यूरिया है और उसने उसको मेंटेन भी करना है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या चीज है, ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइड, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है कि यूरिया का जो साइड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर अमाइन ऑक्साइड ग्रुप है, ठीक है। ये जब यूरिया इसके साथ रिएक्ट करता है या इसके ऊपर यूरिया का जब इफेक्ट होता है तो ये अमाइन जो है, ये अमाइन ऑक्साइड जो है ये अलग हो जाते हैं, और ये जो अमाइन्स हैं ये दोबारा प्रोटीन की जो डीनेचरिंग है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, या तो ये जो अमाइन पार्ट लूज हो गया है प्रोटीन का किसी जगह पे, तो ये या तो उसको जाके रिपेयर कर लेंगे, या जो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे, जो आपका प्रोटीन कंटेंट है सेल का सेलुलर लेवल पे वो मेंटेन रह सकते। तो ठीक है जी, ये दो चीजें आप जो है ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स को। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो दो तरह के हमारे पास हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स ये वाले थे जो, ठीक है, हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक होते हैं। हाइपरटॉनिक हैं तो हाइपरटॉनिक अगर वो एनवायरनमेंट से हाइपरटॉनिक हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत कम है और उनके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो उसमें उनको जो है वो बैलेंस मेंटेन करने में मुश्किल होती है, ठीक है। और जो हाइपरटॉनिक है, अच्छा, खैर, जो हाइपोटॉनिक है इन्वायरमेंट से उसका मतलब ये है कि बाहर जो है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। फ्रेश वाटर जो है, जो एनिमल्स हैं वो हाइपोटॉनिक कंडीशंस के अंदर होते हैं कि बाहर उनके जो है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि वाटर जो है ना कॉन्स्टेंटली, मतलब ये हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट है तो एनिमल हाइपरटॉनिक होगा, ठीक है। तो वाटर जो है कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर एंटर करता है, और फिर एक मसला होता है, अब इनके अंदर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा एंटर हो रहा है, बाहर सॉल्ट कम है, इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है। अब ये हो नहीं सकता कि बॉडी के अंदर सॉल्ट आ रहे हैं और जब वो एक्सक्रीट होना है वाटर तो उसमें सॉल्ट ना जाए, तो फिर ये हो जाता है कि जी बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम थी, ये पानी तो इनके अंदर कंटिन्यूसली एंटर हो रहा है लेकिन उसकी वजह से सॉल्ट जो है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, अपेरेंटली कम नहीं होता, मैंने जिस तरह पहले बताया रिलेटिवली कम होता है, कि फॉर एग्जांपल पहले जो था वो 1 ग्राम सॉल्ट था, 1 लीटर पानी था उसके अंदर, 1 लीटर पानी और आ गया तो अब 2 लीटर पानी के अंदर सॉल्ट जो है वो 1 ग्राम है,
इसका मतलब है 1 लीटर के अंदर जो है वो 500 mg या मिलीग्राम जो है सॉल्ट रह गया। ठीक है, तो उसका ये हल क्या करते हैं, 1 लीटर पानी पिया, 1 लीटर पानी एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, तो उसमें फिर इनको ये करना पड़ता है कि अगर पानी ये ज्यादा एक्सक्रीट कर देते हैं या पानी ज्यादा पी लेते हैं और थोड़ा एक्सक्रीट करते हैं तो इनके अंदर सॉल्ट की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास है मरीन टीलोस। टीलोस जो है ये हमारे पास बोनी फिशेज होती हैं। बोनी फिशेज जो है वो भी हाइपोटोनिक टू सी वाटर होती हैं। हाइपोटोनिक टू सी वाटर होती हैं, इसका मतलब है ये जो है खुद हाइपोटोनिक है और सी वाटर हाइपोटोनिक है। यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट था, यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट था, यहाँ पे हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट है और एनिमल आपका हाइपोटॉनिक है। ठीक है, तो सी वाटर के अंदर क्या होता है, ये बोनी फिशेस जो है ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये ज्यादा पानी जो है वो लूज कर सकती है, स्पेशली अक्रॉस द गिल्स गिल एपिथेलियम। ठीक है, दीज फिशेज हैव अ टेंडेंसी टू लूज वाटर टू द एनवायरनमेंट स्पेशली अक्रॉस द गिल्स। ये ज्यादा ज्यादा सॉल्ट जो है वो वाटर जो है निकालती है। इनके अंदर फिर कभी ये हो जाता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और पानी भी जो पी रही है वो नमकीन है, उसकी वजह से गिल्स के अंदर इनके सॉल्ट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सेसिव सॉल्ट इनके अंदर बनने लग जाता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है टू आउटर इन्वायरमेंट, मतलब जो लैंड पे रहने वाले हैं ठीक है वो हाइपोटोनिक होते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, एनिमल हाइपोटोनिक है। इसके अंदर जो हाइपोटोनिक है मतलब इनके अंदर वाटर ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर ये ज्यादा पानी पीते हैं तो ये मेंटेन कैसे करते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर दैट लीड्स डिहाइड्रेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय दीज एनिमल्स। तो ये हाइपोटोनिक होते हैं और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है इन्होंने मेंटेन अगर करना होता है अपना जो वाटर लेवल है इन्वायरमेंट के लिहाज से, इनको ज्यादा इनटेक करनी पड़ती है और जितनी इनटेक है तकरीबन उतनी यूरिनेशन करनी पड़ती है। अगर वाटर लॉस ज्यादा हो जाए, मतलब यूरिनेशन तो हो रही है या वाटर एक्सक्रीट हो रहा है और एक एडिशनल चीज खुल जाती है जहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रही है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट जो आपके वो हैं रेगुलेटर्स हैं ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं या बॉडी को उन्होंने किस तरह अडेप्ट किया हुआ है। फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक होता है, मतलब खुद हाइपोटोनिक होते हैं, जो वो है एनवायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। तो ये एनिमल जो है इनमें मसला ये होता है, खुद हाइपोटोनिक है, इनको बहुत ज्यादा यूरिन बनाना पड़ता है और बहुत ज्यादा सॉल्ट इनको रीअब्जॉर्ब करने पड़ते हैं किडनीज को। तो ये जो है फीड से भी आ रहा है और ये खा भी रही है ठीक है, तो इन एनिमल्स के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है सॉल्ट की भी फ्रॉम एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल्स कॉल्ड आयोनोसाइट्स। आयोनोसाइट्स जो है वो एम्फीबियन स्किन के अंदर और गिल्स के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल डाइल्यूटेड मीडियम। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये वाटर वाला सॉल्ट और आयन सारा पी रहे हैं, अंदर जा रहा है और फूड से भी सॉल्ट आयन ले रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन जो है गिल्स से हो रही है, इनकी एक्सक्रीशन में सॉल्ट आयन भी निकल रहे हैं और वाटर भी निकल रहा है गिल्स में। एक्सक्रीशन जो दूसरी हो रही है किडनीज के थ्रू हो रही है, उसके अंदर सॉल्ट आयन भी निकल रहे हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी निकल रहा है और यूरिन इसके अंदर कम होता है, मतलब कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मरीन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर गेन फूड से हो रहा है, वाटर से हो रहा है। ये अच्छा ये जो मरीन वाटर होते हैं ये हाइपोटोनिक होते हैं और इन्वायरमेंट से ये भी हाइपोटोनिक होते हैं। ये हाइपोटोनिक थे इन्वायरमेंट से, मतलब इनके अंदर सॉल्ट वगैरह ज्यादा था तो ये वाटर और सॉल्ट को जो है अंदर भी ले रहे हैं और बाहर एक्सक्रीट भी कर रहे हैं।
ये हाइपोटोनिक होते हैं खुद, इनके अंदर सॉल्ट कम होता है, मरीन बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है। तो ये रिलीज क्या क्या करते हैं, ये सॉल्ट वगैरह जो है वो लेते हैं, ठीक है, और वाटर को भी पीते हैं, पीते भी हैं, गिल से भी इनके वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, और सॉल्ट ज्यादा सॉल्ट ये जो है निकालते हैं, ठीक है। मरीन वाटर जो मरीन एनिमल्स हैं उनमें टिलोस्ट जो है, ये हमारे पास टिलोस्ट जो है बोनी फिशेस, ये ऑस्मो रेगुलेटर है इन मरीन एनवायरमेंट। इसका मतलब है ये हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट है, खुद जो है हाइपोटोनिक एनवायरमेंट हाइपोटोनिक है। तो ये क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस दीज फिशेस विल ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लाइक फ्रेश वाटर। फिशेस फ्रेश वाटर में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती, ये पानी ज्यादा पीती है, ठीक है, हाइपोटोनिक है। और इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होते हैं कि सॉल्ट जो है वो एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सॉल्टी सी वाटर, ये तो सोडियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम सोडियम क्लोराइड पोटाशियम इनको रिमूव करना पड़ता है गिल्स एपिथेलियम, ठीक है। वाइल्ड डाइवेलेंट आइंस लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम डाइवेलेंट जिनकी वैलेंसी जो है वो टू होती है, प्लस हो या माइनस हो, उनको एक्सक्रीट करती है किडनी। तो फिश ऑल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट सिक्रेटरी सेल्स। अब इनका जो मकसद है, इन्होंने अपना हाइपोटोनिक कंडीशन जो है मेंटेन रखनी है, तो इन्हें क्या जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को एक्सक्रीट करें। हाइपोटोनिक होती है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एक्सक्रीट करना था, तो ये जो है सॉल्ट को ज्यादा एक्सक्रीट करते हैं। और इनके अंदर होता है रेक्टल ग्लैंड्स दैट रिमूव सॉल्ट, इसमें तीन है, किडनीज भी कर रही है, गिल्स भी कर रहे हैं, और इसकी जो फिकल है ये स्टूल है जो इजेशन हो रहा है इसका, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक से रिमूव हो रहा है वो भी रेक्टल ग्लैंड से सॉल्ट रिमूव होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो ऑर्थ्रोपोड्स के हैं वो अमंग इनवर्टिब्रेट्स रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स अमंग द वर्टिब्रेट्स। तो ऑर्थ्रोपोड्स के हैं वो मतलब सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है, और रेड केराटिनाइज्ड स्किन जो होती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। जो हमारी भी स्किन है वो रेड केराटिनाइज्ड है, लेकिन हमारी स्किन में और जानवर की स्किन में काफी डिफरेंस होता है। तो ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में और वर्टिब्रेट्स के अंदर रेड केराटिनाइज्ड स्किन जो है ये वाटर का लॉस जो स्किन से हो सकता है उसको बचाती है, ठीक है। तो डेजर्ट मैमल्स जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं लार्ज डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिक बिहेवियर एंड एडेप्टेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस में ये होता है कि वो अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरिस्ट्रियल मैमल्स हैं जो डेजर्ट के अंदर होते हैं, तो डेजर्ट में प्लांट्स ने भी अपने आप को अडेप्ट किया होता है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत थिक लेयर होती है उनके, ठीक है, जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं ताकि नीचे से वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद जो लीव्स हैं उनके थिक होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जहाँ से इवेपोरेशन हो सके, और थिक होते हैं काफी मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर से वाटर लॉस थ्रू सरफेस एरिया ना हो लीव के या स्टेम के, ठीक है। ज्यादातर जो है वो शहद होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनके। तो अब ये जो एनिमल्स होते हैं एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अगर पानी नहीं है उनके एरिया में, तो ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक को ये फिनोमेना को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो ऐसे पत्ते खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, पत्ते खाएंगे शब्द खाएंगे ज्यादा, उसमें क्या फायदा होता है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं वो मेटाबॉलिकली, तो उसमें वाटर प्रोड्यूस करते हैं और उसी पे सरवाइव करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो कैंगरू रैट है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल जो है वो आपका जहाज होता है, सहराई जहाज कैमल, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक हफ्ता वो बगैर पानी पिए रह लेता है। तो उसमें भी मैकेनिज्म यही है कि मेटाबॉलिक जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो उसी को यूटिलाइज करता रहे। अब उसके केस में जरा चीज और होती है, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक वाटर है वो प्रोड्यूस होता है फैट से, और ये जो कैंगरू रैट है इसके अंदर मेटाबॉलिक वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है।
ठीक है, तो जो सीड्स हैं डेजर्ट प्लांट्स के, उनके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन।